जनवरी में जून से भी बदतरीन लोड शेडिंग। सर्दी में आवाम के 14 तबक रोशन हो गए, गर्मी में क्या होगा? हुकूमत के बिजली की बहाली के दावे तीसरे रोज भी ठुस। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक हो गया। लाहौर समेत बड़े शहरों में हर घंटे बाद घंटे के लिए बत्ती गुल। बिजली के वजीर भी बिजली की तलाश में लापता। सुबह जब मैं घर से आता हूं तो बिजली नहीं होती, यहां पे मैं जब अपने काम कारोबार पे आता हूं तो यहां पे बिजली नहीं होती, और पिछले कुछ दिनों से तो ये है कि एक घंटा बिजली आ रही है और एक घंटा जा रही है। रात को असाइनमेंट्स मिलती है हमें काफ़ी ज़्यादा, इसके अलावा होमवर्क होते हैं, टेस्ट होते हैं, घर जाते हैं तो बिजली चली जाती है, बिजली चली जाती है तो तैयारी नहीं हो सकती। अभी सवेरे सवेरे घरों काम पर आने साढ़े आने तो पहले बत्ती जी गई होती है, अं बहुत ज़्यादा परेशान हम जरा। तब्दीली सरकार ने आवाम को रुला दिया, लोड शेडिंग से ठप हो गया कारोबार, दर्जी धोबी इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक सब हो गए बेकार, रोजगार बंद होने से मेहनत कश परेशान, आवाम को गैर एलानिया लोड शेडिंग मजीद 16 रोज बर्दाश्त करना पड़ेगी। कराची वाले भी सुन लें, कल भी सीएनजी स्टेशन को छुट्टी मिल गई, चौथे रोज भी सीएनजी स्टेशन बंद रहेंगे, बंदिश की वजह वही गैस प्रेशर में कमी का बहाना। भाई ये देख लो, ये बच्चे मरी हुई है, ये बच्चे ये स्कूल से आ रहे, स्कूल बंद है, काफी परेशानी है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं, भाई ऐसा तो नहीं होता है, नहीं तुम लोग होट के लिए घर घर आ जाते हो, नाकामी कायद का शहर मसाइल का गढ़ बन गया, जिला वस्ती और गर्मी में 48 घंटों से पानी की सप्लाई बंद, लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, शहरी फट पड़े। तो परसों प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है कि IDCL को उन्होंने तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट लाने के लिए कहा है, खासतौर से मख्तस किए हैं कराची के लिए। वज़ीर आज़म का कराची के लिए 50 अरब का पैकेज, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बड़ा दावा कर दिया, पैसे कहां से आएंगे ये नहीं बताया। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं सूबाई इंतजामिया को तो कोई खबर नहीं, विफाक सिंध को उसका हिस्सा नहीं दे रहा। नवाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से बड़ा चोर और डाकू है, मैंने कहा चोर है शहबाज शरीफ, डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लगिश है, एक्स्ट्रावेगेंट है, बेईमान है, लूट खाया सारे मुल्क को, उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया, जिसने बनाया, मैं इसके खिलाफ हूँ। शहबाज की परवाज शेख रशीद को कबूल नहीं, ओपोजिशन लीडर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया, कहते हैं दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठाया जा सकता, चोर डाकू किसी का एहतसाब नहीं कर सकता, वजीर आजम ने मुल्क लूटने वाले को चेयरमैन PSC बनाया। मैं स्पीकर कौमी असम्बली को जो है वो रेफरेंस दायर करने जा रहा हूँ, शेख रशीद ने कश्मीर का कास जो के पाकिस्तान की शरण है उससे गद्दारी की है, एम्पल एविडेंस जो है वो मेरे पास मौजूद है कि उस ट्रेनिंग कैंप को इसने जुए के अड्डे के तौर पे चलाया और वहां से हराम की कमाई की। शेख टी के नहले पर राणा साहब का दहला, रेलवे वजीर की अहलियत चैलेंज कर दी, रेफरेंस स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवा दिया, कश्मीर कौन से गद्दारी, लोगों से भत्ते की वसूली, जुए की कमाई से जायदाद बनाने के इल्जाम। राणा सनावला ने कहा शेख रशीद फितरतन झूठा और फ्रॉडिया है, इसकी जिंस का तायुन भी कराया जाए। मोहम्मद डैम ठेका रजाक दाऊद की कंपनी को देने का फैसला नामंजूर, पीपल्स पार्टी मामला नैब में ले गई, रेफरेंस दायर करने की दरख्वास्त, नून लीग ने भी पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है? एक दरख्वास्त पर नैब लोगों की पगड़ियां उछालता है, सारे पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है, नेकी का काम भी शुरू होता है तो नैब टांग अड़ाता है, नैब में बैठी एक बीबी लोगों को ब्लैकमेल करती है, हॉस्पिटल्स की तामीर के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत की तलबी पर चीफ जस्टिस से चेयरमैन नैब के चैम्बर में मुलाकात।
बंदी का हुक्म 22 या 27 स्कूल्स के लिए नहीं, फीस में कमी का इतलाक पूरे मुल्क में होगा। किसी को इबहाम है तो पढ़कर बता देते हैं। हमने फीस कम करने को कहा, आपने स्कूल बंद करा दिए। चीफ जस्टिस की FIA पर बरहमी। 50 लाख घरों की तामीर में तुर्की की मदद चाहते हैं। तुर्की के साथ ताल्लुकात को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर बोले, इमरान खान ने पाकिस्तान में तब्दीली के लिए जद्दोजहद की। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अर्दवान 2016 में पाकिस्तान आए, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया। तुर्क सफीर और ओपोजिशन ने भी अपीलें की, ताहम इमरान खान ना माने। तुर्की वालों ने वजीर आजम इमरान खान की खूब आवभगत की। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया। तीनों के असासों की तफसील आ चुकी है, अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लाहौर के तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई का मामला, दहशत गर्दी की तरह इंसदाद मनशियात के लिए भी एक्शन प्लान दें। हुकूमत ने क्या माहरीन की खदमात ली, जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस कहते हैं, ये तो हुकूमत की नाकामी है। पंजाब के निजी स्कूलों में मनशियात की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। स्कूलों को ड्रग फ्री कैंपस के लिए सर्टिफिकेट लेना होगा। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना है, जेरे तालीम बच्चों का ब्लड टेस्ट कराना भी लाजमी होगा। स्कूल के इर्द गिर्द सिगरेट पान की फरोख्त पर पाबंदी होगी। वालिदैन की एसोसिएशन ने फजूल प्रैक्टिस करार देते हुए कहा, इससे रिश्वत का बाजार खुल जाएगा। आज़म नवाज शरीफ के वकला ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त वापस ले ली। एतराज़ात दूर करके कल दोबारा दायर करने का फैसला। अठारहवीं तरमीम केस में रजा रब्बानी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। अगर सूबे सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश ना करें तो क्या विफाकी हुकूमत मदद के लिए ना आए? आप चाहते हैं गरीबों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर छोड़ दें। चीफ जस्टिस का रजा रब्बानी से मुकालमा। शेख सैयद अस्पताल के मामले पर विफाक और पंजाब को नोटिस, समाज 20 तक मुलतवी। लीज पर जमीन दे सकता है, बेच नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को विफाकी और सूबाई जमीन की फरोख्त से रोक दिया। 5 साल से ज्यादा अरसे के लिए लीज पर देने पर भी पाबंदी। रेलवे की अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत नहीं होगी। कराची में जाली FIR का इंकशाफ, पुलिस ने डिकेती के मुलजिम को अदालत में पेश किया। अदालत में मुद्दई मुकदमा ने पोल खोल दिया, मुलजिम को मेरे सामने गिरफ्तार किया और गोली मार दी गई। जाहिद अली शाह का बयान। नौशहरा में 9 साल की मनाहिल के कातिल का अदालत में एतराफ जुर्म, मुलजिम यासिर ने ज्यादती के बाद बच्ची को कत्ल किया, लाश कब्रिस्तान में फेंकी थी। ऑपरेशन रबुल फसाद कामयाबी से जारी, शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद पकड़ा गया। खैरपुर में दे धनाधन, मुखालिफिन की एक दूसरे की धुलाई, पुलिस एहलकार रेफरी का किरदार अदा करते रहे। पाकिस्तान का लंबा तरीन इंसान दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया, अस्पताल में जेर इलाज नसीर सोमरों की तबीयत संभल गई। भारत से आए वकला का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी देखकर आपदीदा। कहते हैं, हमारे अबाओ अजदाद पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता है। वो
फुटबॉल के दीवानों हो जाओ तैयार। फुटबॉल के बड़े नाम काका और फीगो 10 जनवरी को कराची में होंगे। पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस के लिए काका ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। सर्दी वो भी खून जमाती, मरी गलियात और मानसहरा में बर्फबारी। कलाम और स्कर्दू में मैच बराबर, पारा -9 रिकॉर्ड। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा और पेशावर में बारिश का इम्कान।